बॉस के घर में वीकेंड के वार पर तीन टीमें बनाई गई थी, जो कि थी सिद्धार्थ शुक्ला की टीम, हिना खान की टीम और गौहर खान की टीम। ये तीनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीमें बनाकर घर के अंदर डांस करने वाले हैं, जिनके प्रमोज भी आपने देख लिए होंगे। इन तीनों सीनियर्स में से जिसकी टीम हारती है उस टीम के खिलाड़ियों को घर से आउट होना होगा। चलिए अब आपको बता देते हैं पहले कि किसकी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि टास्क किसने जीता और कौन हो गया है घर से बेघर। हिना की टीम में चार खिलाड़ी हैं, वो हैं जैस्मिन भसीन, रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला और निशांत मलखानी। गौहर की टीम में दो लोग हैं, जान कुमार शानू और राहुल वैद्य। सिद्धार्थ शुक्ला की टीम में तीन लोग हैं, निकी तंबोली, एजाज खान, पवित्रा पुन्या। इसके अलावा घर के अंदर शहजाद देवल भी हैं, लेकिन शहजाद देवल को अनकन्फर्म का टैग मिला हुआ है, तो वो घर के अंदर रह सकते हैं लेकिन टास्क में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस टीम ने टास्क जीता। आपने प्रमोज में देखा होगा कि टास्क जब शुरू हुआ उसके थोड़े देर बाद ही कंटेस्टेंट्स के बीच में टास्क को लेकर झड़प हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला की टीम पर चीटिंग का आरोप लगाया गया, जिसे लेकर गौहर खान और हिना खान ने बिग बॉस के सामने भी आवाज़ उठाई है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला की टीम ये टास्क हार गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी हो। क्या सिद्धार्थ शुक्ला की टीम हार चुकी है, अब ये बिग बॉस ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, या फिर वो सचमुच में टास्क हारी है, ये तो एपिसोड टेलीकास्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की टीम हारने की वजह से पवित्रा पुन्या, एजाज खान घर से बेघर हो गए हैं। इसके अलावा शहजाद देवल भी घर से बेघर हो गए हैं। निकी तंबोली को घर से आउट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी कन्फर्म हो चुकी थी। आपको बता दें कि बेघर हुए कंटेस्टेंट पवित्रा पुन्या, एजाज खान और शहजाद देवल को कुछ समय के लिए सीक्रेट रूम में रखा गया है। जब तक ये एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होता है तब तक वो तीनों बाहर नहीं आ सकते हैं। वहीं बात करें सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान की, तो ये तीनों सीनियर्स भी इस टास्क के बाद घर से आउट हो चुके हैं, यानी कि इनका घर के अंदर समय पूरा हो चुका है और ये तीनों कंटेस्टेंट घर से बाहर निकल आए हैं। अब जो आपको आगे की जर्नी देखने को मिलेगी वो सिर्फ कंटेस्टेंट्स की होगी और आने वाले टाइम में घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होंगी। एजाज खान और पवित्रा पुन्या को लेकर कहा जा रहा है कि इन दोनों की दोबारा से री एंट्री कराई जा सकती है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि शहजाद देवल को भी री एंटर किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों की री एंट्री कब होगी ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये तीनों कंटेस्टेंट इविक्ट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।